तो जो ट्यूब्स है दे आर वेरी हाई क्वालिटी ट्यूब्स एंड द काइंड ऑफ फिनिश दैट इज देयर ऑन द ट्यूब इज एक्सेलेंट और इसमें डर्ट ग्रीस वगैरह कुछ नहीं होता। और एक इसमें मतलब स्पेशलिटी है कि दिस आर ERW ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट वेल्डेड ट्यूब्स बोलते हैं इसको हम लोग। और वेंडर्स भी जो है वो पूरा हम उनका ऑडिट करते हैं, उनको पूरा सर्टिफाई करते हैं, तभी हम लोग उनसे लेते हैं। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका ट्यूब का क्वालिटी कैसा है। ओके और ये कितना गेज क्या होता है, कितना गेज? अभी ये जो गेज है वो ऑलमोस्ट 3 mm का होता है, जो मेन फ्रेम हमारी होती है मशीन की। तो इसके वजह से ये मशीन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं आपको एक ट्यूब भी दिखा सकता हूँ। और अलग अलग ट्यूब्स यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा थिकनेस ज्यादा है इसमें। हाँ, तो अभी मेन जो फ्रेम है उसका 3 mm का होता है। बाकी मूविंग आर्म्स वगैरह जो है वो वेरी करता है, बिकॉज मेन इसमें क्या चीज होती है कि फ्रेम का, मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो मेन फ्रेम की वजह से आता है। और बाकी आप मूविंग आर्म्स में इवन बिगनर शुड बी एबल टू डू द वर्कआउट, तो उसके लिए फिर अलग टाइप्स के ट्यूब्स यूज करते हैं हम लोग। तो एज आई सेड कि ये